नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने पर भारतीय महिला टीम सीएम मनोहर लाल ने उनको बधाई दी और साथ ही ट्वीट करते हुए लिखा कि इतिहास रचने वाली भारत की बेटियां उत्कृष्ट कौशल और शानदार प्रदर्शन से बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीतने पर भारतीय टीम महिला को बता दें कि टीम को बधाई व शुभकामनाएं। भविष्य में आप सभी का स्वर्णिम सफर जारी रहे। आपके खेल प्रतिभा से देश दुनिया में भारत का परचम ऐसे ही लहराता रहे। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त के चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का बता दें कि कल से शुरू, आज होगी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम मनोहर लाल और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता रहेंगे मौजूद। बड़ी खबर, अहम जानकारी, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा होंगे शामिल। बैठक में बजट सत्र की अवधि पर लगेगी अंतिम मुहर। बड़ी खबर, अहम जानकारी, 20 फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगा बजट। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की चंडीगढ़ से। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र कल से शुरू, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, भूपेंद्र हुड्डा भी रहेंगे मौजूद। सीएम मनोहर लाल, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी रहेंगे मौजूद। वही बता दें कि 20 से 28 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। सीएम मनोहर लाल, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता रहेंगे मौजूद। बैठक में बजट सत्र की अवधि पर लगेगी अंतिम मुहर। 20 फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए चंडीगढ़ से ओपी शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी शर्मा, कल बता दें कि विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला, किन किन मुद्दों पर बता दें कि विशेष चर्चा होने वाली है, क्या कुछ जानकारी अपडेट दीजिए। देखिए सोनिया, हरियाणा विधानसभा का जो बजट सत्र है कल 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ जो है शुरू होगा, और इसके बाद जो है वो राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर चर्चा भी जो शुरू हो जाएगी। और आज बजट के ऊपर जो की इसकी अवधि के ऊपर जो एक तरह से केंद्र राज्य सरकार जो बजट से पहले अपना एक संभावित टेंटेटिव जो प्रोग्राम बनाती है उसके ऊपर जो आज फैसला हो जाएगा। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुप्ता, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, ये सभी बैठक में हिस्सा लेंगे। और जो 8 से 9 दिन का सत्र चलाने का जो एक टेंटेटिव प्रोग्राम हरियाणा सरकार की तरफ से 10 दिन का जो बनाया गया है, उसमें कुछ अगर बढ़त करनी है या कुछ कमी करनी है तो उसको लेकर सभी लोग मिलकर जो है वो फैसला कर लेंगे। और ये नियम है कि बजट से पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक होती है उस बैठक में ही अंतिम मोहर लगती है। जहां तक बात सत्र के मुद्दों की, तो इस बार का विधानसभा सत्र अपने आप में कुछ अलग होगा, क्योंकि एक तो चुनावी साल है, लोकसभा के चुनाव भी होने हैं और उसके बाद अक्टूबर के आसपास हरियाणा विधानसभा के जो है चुनाव भी होने, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि काफी कुछ जो 23 फरवरी को जो हरियाणा विधानसभा का शुक्रवार को जो हरियाणा का आम बजट आएगा उसके ऊपर लोगों की काफी जो है नजर रहेगी। साथ ही इसी विधानसभा सत्र के दौरान सरकार के खिलाफ विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से एक जो अविश्वास प्रस्ताव सरकार जो हरियाणा विधानसभा स्पीकर को जो भेजा गया है, अब देखते हैं कि उस पर चर्चा जो है कब होती है। जी जी ओपी शर्मा जी, बता दें कि कल से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और आम जनता को क्या क्या राहत सब बजट सत्र के जरिए मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
देखिए जाहिर सी बात है कि चुनावी साल है, दो चुनाव होने, तो ऐसे में बजट सत्र को लेकर लोगों की जो है वो काफी उम्मीदें बढ़ गई हैं। किसान आंदोलन चल रहा है तो उम्मीद कर सकते हैं कि किसानों किसान कृषि को जो बजट केंद्र हरियाणा सरकार की तरफ से दिया जाता है उसमें करीबन 350 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की बात जो है सामने आ रही है। हालांकि सच्चाई जो है वो जब शुक्रवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पेश करेंगे तभी पता चलेगा। इसके साथ शिक्षा स्वास्थ्य काफी ऐसी जो चीज को ओवरहेड है जिनके अंदर जो अलॉटमेंट ऑफ मनी है वो बढ़ाने की बात कर रही है। जी करने के लिए ओपी शर्मा आपका धन्यवाद। हरियाणा के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रत्येक राज्य एम्स स्थापित करने की घोषणा की और इसी कड़ी में हरियाणा के रेवाड़ी में 22वें पीएम मोदी ने बता दें कि एम्स की आधारशिला रखी और साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पहले दिल्ली में एम्स संस्थान है और लोग यहां पर दूर दूर से अपना इलाज कराने आते हैं लेकिन अब हर प्रदेश में एम्स स्थापित किया जा रहा है ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। हर समय तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैरकों में नहीं जाते, वो हमेशा फील्ड में रहते। और बाकी पार्टियों ने तो अभी संगठन बनाना है। अगर आप हरियाणा में देखो तो कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है और हम पन्ना प्रमुख तक बना चुके हैं, यानी 15 परिवारों पर एक आदमी हम तय कर चुके हैं और सारे हरियाणा में उनके सम्मेलन हो चुके हैं। हमारी पूरी तैयारी है और पहली बार ये जो चुनाव होने जा रहा है ये सकारात्मक नजरिए से होने जा रहा है, ये नकारात्मक नजरिए से नहीं होने जा रहा। लोग जो मोदी जी ने काम किए हैं अपने 10 साल में उनके लिए वोट देना चाहते हैं। जो आयुष्मान कार्ड बनाया है, जो उज्ज्वला योजना लागू की है, जो धारा 370 खत्म की है और जो भव्य राम मंदिर बनाया है, सारे देश में आज प्रो बीजेपी लहर है। आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, रेवाड़ी में एम्स की जो सौगात प्रधानमंत्री हरियाणा को देके गए हैं कितना इम्पोर्टेंट रहेगा ये? देखिए प्रधानमंत्री जी ने हर प्रदेश में एम्स खोलने की घोषणा की थी। पहले दिल्ली में ही एक एम्स होता था, दूर दूर से लोग आते थे, बाहर सड़कों पर रुलते रहते थे। अब हर प्रदेश में एम्स खोला जा रहा है, ये 22वां एम्स है और हरियाणा में तो हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं। इन सुविधाओं का विस्तार ही नहीं हुआ अब से पहले, केवल हमारी सरकार ने आकर ये करना शुरू किया। देखिए भारतीय जनता पार्टी हर समय तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैरकों में नहीं जाते, वो हमेशा फील्ड में रहते हैं। और बाकी पार्टियों ने तो अभी संगठन बनाना है। अगर आप हरियाणा में देखो तो कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है और हम पन्ना प्रमुख तक बना चुके हैं, यानी 15 परिवारों पर एक आदमी हम तय कर चुके हैं और सारे हरियाणा में उनके सम्मेलन हो चुके हैं। हमारी पूरी तैयारी है और पहली बार ये जो चुनाव होने जा रहा है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तम पूरा बाग में भारतीय किसान यूनियन बता दें समेत राज्य अन्य किसान संगठन खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों एसजीपीसी और अन्य सिख संगठनों वकील प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक किसान आंदोलन 2 को लेकर हुई और कुरुक्षेत्र में हुई बैठक में निर्णय हुआ कि अगर सरकार और किसानों के बीच कोई फैसला नहीं हुआ आंदोलन होगा। किसान नेताओं एवं खाप नेताओं ने कहा कि अब सभी किसान संगठन एक मंच पर एकत्रित होकर इकट्ठी लड़ाई लड़ेंगे।
देखिए आज मीटिंग में काफी संगठन आए हैं, छापे आए हैं, गठबंधन में जो सारे छापों के कोऑर्डिनेटर हैं, तो आज की मीटिंग में एक बड़ा फैसला ये लिया है कि अगर आज की जो बातचीत है अगर वो विफल होती है, जो सरकार के साथ चल रही है, अगर वो बातचीत विफल होती है तो फिर सभी जो संगठन है वो एक मत से होके बड़ी लड़ाई हरियाणा के अंदर शुरू करें। एक तो जो ये राजनीतिक जिस तरह हुड्डा साहब ने बताई, जिसका भी हाथ लावा सा, जिसकी तरफ भी हम सिर पर बैठावा सा, वो मेरा बड़ा झूठ झाठ बोल के छोड़ के भाज जैसे हमने। अब ये तो नहीं हंडेंगे नहीं करते रहेंगे। इब कहीं न का इलाज बन जो ने कल तक वो चरण सिंह वाला छोरा भी सोचा था कि मैं करेगा, वो भी मेरा बेटा बोला चरण सिंह ये छोट रहा मर ये कोई यहाँ इसके भारत रत्न के काबिल है के खबर नानोद से है, जहां किसानों के आह्वान किया था। बता दें कि किसानों ने 18 फरवरी को खेड़ी चौपटा में इकट्ठा होकर प्रदर्शन करेंगे, वही पंजाब किसानों के समर्थन में खनूरी बॉर्डर के लिए रवाना होंगे। किसान खेड़ी चौपटा में इकट्ठा हुए और किसानों ने कहा कि चंडीगढ़ में होने वाले सरकार के साथ वार्ता के बाद फैसला लिया जाएगा। गिरफ्तार होने से पहले किसान नेता सुरेश कौथ ने कहा कि किसान खेड़ी चौपटा पर इकट्ठा हुए हैं और सबका दिल्ली कूच का कार्यक्रम है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब के किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे थे, लेकिन सरकार ने उनकी बता दें कि लाठी डंडा और गैस के गोलों से उनका स्वागत किया। साथ ही इस बात को लेकर किसानों में काफी रोष है। किसान नेता विकास सीसर ने कहा कि किसान खेड़ी चौपटा पर इकट्ठा हुए और जल्द बड़ा फैसला लिया जाएगा और कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये लड़ाई किसानों की है और इनमें सभी किसान जीत हासिल करेंगे। अब तक बातचीत कर सका है। एक तो हमारे जो साथी जो ट्रैक्टर को इस बारे में अगर हमारा कोई साथी गिरफ्तार कर रहा क्या इस बारे में, हमारी तरफ से ये है सारे मोदी जी खापों के प्रधान संगठनों के प्रधान बैठे हैं, आपको इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं जब तक बैठे हैं हम शांति भंग नहीं करेंगे। जो भी फैसला लेंगे उससे पहले प्रशासन को इन्फॉर्म करांगे। अगर हमने कहीं कूच करना भी होगा वो फिर आपका काम है, क्या करना है। अंधेरे में तीर हम बिल्कुल भी नहीं चलावांगे। देखिए आज का कार्यक्रम हमारा ये है कि हम खेड़ी चौक का भी इकट्ठे हुए, हम दिल्ली की तरफ है, हमारा दिल्ली कूच का आंदोलन कार्यक्रम है। हम इसी तरह पैदल कहीं ट्रैक्टर में दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब का किसान जो आ रहा था हमारे हरियाणा सरकार ने उनके साथ बहुत ही ज्यादती करी है। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि यह देश की राजधानी किसानों की नहीं है क्या? वो अपनी बात करने जा रहा था, उनको शांतिपूर्ण तरीके से अगर जाने देते तो एक ग्रुप था वो अपनी बात कहता, मानना ना मानना सरकार बात करती वो अलग बात था, मगर उनका स्वागत जिस तरह लाठियों से आंसू गैस के गोलों से किया गया वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली में प्रदेश की बता दें सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। आवाजाही ठप होने का असर यमुनानगर के प्लाईवुड बर्तन उद्योग और सैनिटरी उद्योग पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली सीमा बंद होने से यमुनानगर के इकाइयों में तैयार 80% माल यहीं पड़ा हुआ है। 5 दिन से तैयार माल की आपूर्ति नहीं होने से व्यापारी भी परेशान है। व्यापारियों के अनुसार प्लाईवुड बर्तन उद्योग का माल अधर में लटका हुआ है, जिससे अभी तक करीब 250 से 300 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। यमुनानगर प्लाईवुड बर्तन उद्योग के फैक्ट्री में तैनात माल बता दें कि तैयार माल देश के करीब सभी राज्यों में भेजा जाता है। दिल्ली में प्लाईवुड बर्तन उद्योग का बड़ा बाजार है और यहाँ के फैक्ट्रियों में तैयार माल पहले दिल्ली और फिर वहां से पूरे देश में भेजा जाता है। दिल्ली माल ना पहुंच पाने के चलते लगभग देश भर में प्लाईवुड बर्तन उद्योग के सप्लाई में कमी आई है। दिल्ली बॉर्डर सील होने से यमुनानगर में तैयार करोड़ों का प्लाईवुड बर्तन फैक्ट्रियों में ही पड़ा है। बहुत ज्यादा हेट पड़ा है,
रॉ मटेरियल का भी, तैयार माल का भी, जाने आने की बहुत ज्यादा दिक्कत है। और अगर ये कुछ दिन और चलता रहा तो फैक्ट्रियां मेरे हिसाब से जो है ना, अब काम इस टाइम 50% है, आप अंदाजा लगा लो अगर हफ्ते 10 दिन के अंदर 50% है तो आने वाले समय में क्या होगा। इंडिया में जाता है तैयार माल, ऑल इंडिया में जाता है, और रॉ मटेरियल कुछ जगह से जैसे राजकोट हुआ, जामनगर हुआ, मुरादाबाद हुआ, इन स्टेशनों से आता है। आने में भी दिक्कत है और जाने में भी दिक्कत है, क्योंकि हमारी देखो यहाँ पे स्टील की सबसे बड़ी मंडी है, पूरे एशिया में सबसे बड़ी मंडी है बर्तनों की। यहाँ पे दूर दूर से कस्टमर आते हैं, कोई पंजाब से भी आते हैं, दिल्ली से, यूपी से, हिमाचल से, सारी जगह से सब आना है। अच्छा, हमारा माल भी बाहर से आता है और जगह से भी, तो हर चीज़ का देखो उतना कस्टमर नहीं आ पाता, क्योंकि सब सोचते हैं कि वो बीच में कहीं जा ना सके, तो थोड़ा सा उसका भी फर्क है। और हमारा जो मटेरियल बाहर जाना होता है बॉम्बे से या दिल्ली से ट्रांसपोर्टेशन में, उसे भी हमें जो है एक दो दिन की थोड़ी और देरी हो जाती है उसके अंदर ना। किसान आंदोलन दो चल रहा है और किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए हरियाणा पंजाब के कई बॉर्डर को पूर्ण तरीके से बंद कर दिया गया है, जिसका खामियाजा हर वर्ग के लोग भुगत रहे हैं। वहीं अम्बाला में दवाई कारोबारियों का काम भी पूर्ण तरीके से ठप हो गया है। दवा उद्योगपति जीडी चिब्बर का कहना है कि दवा बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही, जो दवा बाहर भेजने के लिए तैयार की गई है रास्ते बंद होने की वजह से वो भी बीच में लटकी हुई है। बता दें कि दिल्ली कूच के लिए शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हैं, जिसके चलते दिल्ली से सटे तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया, जिसका खामियाजा सभी वर्ग के लोग भुगत रहे हैं। किसान परिवार से बिलोंग करता हूं और अब इंडस्ट्री में हूं, तो मैं दोनों का दुख दर्द बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। हमें इंडस्ट्री ना केवल एक बहुत बड़े सेगमेंट को रोजगार मुहैया कराती है, बल्कि देश की प्रगति में इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी और इनकम टैक्स और भी कितने चीजें हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, कस्टम्स हैं, इन सब में उनको मौका मिलता है कि देश की तरक्की को ऊपर, देश को ऊपर से ऊपर ले जाए। बता दें कि हरियाणा पंजाब के कई बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। अम्बाला की बता दें कि दवाइयों का काम अधर में लटका हुआ है और किसान आंदोलन दो जारी है। बता दें कि लगातार किसान दिल्ली कूच करने की मांग पर अड़े हुए हैं और शंभू बॉर्डर पर बता दें कि स्थिति काफी ज्यादा तनावपूर्ण रही। अभी बता दें कि बॉर्डर सील होने की वजह से व्यापारियों को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है और बता दें कि अधर में ही दवाइयों की सप्लाई का काम अटका हुआ है। हरियाणा में किसान आंदोलन के चलते इंटरनेट सेवाएं 19 फरवरी तक बंद रहेंगी। बता दें कि इंटरनेट सेवा बंद करने का हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किए हैं। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और डबवाले जिले में इंटरनेट बंद रहेगा।
हरियाणा पुलिस के जवान सेवा सुरक्षा सहयोग के नारे को साकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर गुलाचिका के कैथल पटियाला स्टेट हाईवे पर पंजाब हरियाणा बॉर्डर की है, जहां हरियाणा पुलिस ने कई लेयर के बैरिकेडिंग कर बॉर्डर को सील कर दिया, जिससे आम जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा पुलिस ने लोगों के परेशानी को देखते हुए बच्चे, बुजुर्गों और जरूरतमंद महिलाओं के भारी सामान को हरियाणा बॉर्डर से पंजाब बॉर्डर तक 1 किलोमीटर की दूरी तय करके उनके आगे तक जाने वाले साधनों को गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। ये तो हमेशा हरियाणा पुलिस से तत्पर रहती है, क्योंकि हमारी ओथ ऐसी है जिसके मुताबिक हर जवान को बिल्कुल इस तरह से ट्रेंड किया हुआ है, और ये दर्शाती है यहाँ पे भी उनके कि उनकी ट्रेनिंग अच्छी हुई है और उनके अंदर संस्कार है। हरियाणा पुलिस के प्रति उनकी भावना और लोगों के प्रति उनकी भावना का यहाँ पे संगम देखने को मिलता है। तो सर, और पंजाब के बीच में करीब 1.5 किलोमीटर का फासला है, जो उस तरफ से काफ़ी हम स्कूल के कुछ लोगों के जिनके स्कूल चल रहे हैं उन प्रबंधक कमेटी को हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने भी जो उनके बच्चे पंजाब से हरियाणा में पढ़ने आते थे उनके लिए उन्होंने बस का प्रबंध पंजाब की तरफ भी कर दिया और हरियाणा की तरफ भी कर दिया। पलवल में एंटी नारकोटिक सेल ने पर भारी मात्रा में गांजा जब्त किया। आपको बता दें कि नारकोटिक सेल ने 361 किलो 550 ग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गांजा कंटेनर में भरकर अलीगढ़ यूपी से पलवल लाया जा रहा था। टीम ने कंटेनर चालक और मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। खबर सोनीपत से है, जहां एम्बुलेंस से शराब की तस्करी करने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि शराब एम्बुलेंस के फर्श में बने गुथ स्थान और बता दें कि खिलाड़ियों के गत्तों के अंदर, माफ कीजिएगा, खिड़कियों के गत्तों के अंदर छिपा कर रखी गई और साथ ही पुलिस द्वारा बरामद की गई अंग्रेजी शराब की कीमत करीब 1.25 लाख रुपए बताई जा रही है। और पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी बिहार और सोनीपत के रहने वाले हैं। थाना राय से चारों आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सुबह गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि दिल्ली की तरफ से एक झारखंड नंबर की एम्बुलेंस में कुछ अवैध शराब आएगी और जो बिहार जाने वाली है, जिसमें अपनी एक पुलिस टीम तैयार की, 0.KDP के पास नाकाबंदी शुरू की, जो कुछ ही समय बाद एक एम्बुलेंस सामने से आती दिखाई दी। एम्बुलेंस को काबू किया। काबू करने के बाद एम्बुलेंस में बैठे व्यक्तियों से नाम पते पूछे तो जिसमें से एक ने नाम रमेश, दूसरे ने रघुनाथ, जो वैशाली बिहार के रहने वाले हैं, और गाड़ी को चेक किया तो गाड़ी के अंदर अलग अलग ब्रांड की ब्लैक लेवल, रेड लेवल, रीगल स्वास्थ्य, सिग्नेचर, हैंडर पाइपर की कुल 96 बोतल उसमें मिली। उसमें 2 व्यक्ति और बैठे हुए थे, कुल मिलाकर 4 व्यक्ति थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।